हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। 2021 माध्यमिक परीक्षा में अपीयर होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं अलजेब्रा पार्ट 1, अलजेब्रा पार्ट 2 बना चुके हैं। आज आपके बीच अलजेब्रा पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप विभिन्न प्रकार के अलजेब्रिक जो समस्याएं होती है उस समस्याओं का समाधान देखेंगे। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही लाभ होने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखिए और 2021 का तैयारी अच्छी तरह से कीजिए ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। हाँ, तो देखिए, आपके बीच एक सवाल, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप देखिए और इसको समझने का कोशिश करिए, इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? दो अंकों वाली एक संख्या है जिसका कि दहाई का अंक, ठीक है, इकाई की अपेक्षा 3 कम है, यानी इकाई ज्यादा है, दहाई कम है। ठीक है, संख्या से उनके गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है, तो संख्या का इकाई का अंक क्या होगा और मूल संख्या क्या होगी? तो इस तरह की समस्याएं 3 नंबर के सवाल में आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज आप इसे देखिए, अच्छी तरह से इसको समझने का कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि इसका इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक को हम मानते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए जो पूछा जाता है, संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करें, जो पूछा जाता है उसी को आप मान लीजिए। माना कि दो अंकों वाली संख्या, ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई असुविधा नहीं होगा। दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक को पहले मान लीजिए आप, इकाई का अंक बराबर x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है कि दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है, तो बताइए दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक बराबर एक्स माइनस 3, क्योंकि दहाई का अंक कितना है, तो इकाई के अंक से 3 कम है, इसलिए दहाई का अंक कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब मूल संख्या आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए। मूल संख्या बराबर होता है जो दहाई है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो चलिए 10 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इकाई है उसको 1 से गुना कर लीजिए। ठीक है, ये मूल संख्या बन के आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 10x माइनस 30 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10x और x को जोड़ दीजिए, 11x माइनस 30, तो ये आपका मूल संख्या बन गया है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, मूल संख्या बना लेंगे, अब फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि संख्या से उनके गुणनफल को घटाने से, अब देखिए, संख्या से उनके गुणनफल मतलब किनके गुणनफल, इकाई और दहाई संख्या के गुणनफल को घटाते हैं संख्या से, तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 11x माइनस 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस संख्या से उसके गुणनफल को घटाने पर, तो चलिए माइनस कर देते हैं उसके गुणनफल, इसके गुणनफल क्या होंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इसके गुणनफल होंगे, घटाने पर कितना प्राप्त होता है, तो बोलता है कि वियोगफल 15 प्राप्त होता है, तो चलिए यहां पे 15 लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको ये समीकरण बनाना है, मूल संख्या में उन संख्याओं के अंकों का गुणनफल x इंटू एक्स माइनस 3 को अगर हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए, तो चलिए 15 आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है,
11x माइनस 30 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसमें x बराबर अगर निकल गया तो इकाई का संख्या निकल जाएगा, फिर दहाई का संख्या निकाल लेंगे, और दहाई का संख्या जब निकल जाएगा तो फिर हम क्या कर लेंगे, मूल संख्या भी निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, या इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर शुरू में कर लेते हैं और 3x और 11x को जोड़ देते हैं तो आता है प्लस 14x, ठीक है, माइनस 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें जुड़ने लायक है, जोड़ दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लीजिए, आप चिन्ह को बदल लीजिए, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस में है तो चिन्ह अगर बदलना है तो सारा जो अंक है सभी का चिन्ह बदल दीजिए। अब आया 45 आया है तो इसको हम किस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे है 45, इस 45 को हम तोड़ते हैं, तो 9 और 5 में इसको तोड़ लेते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, और 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 भी हो जाएगा। ठीक है यहां तक, या एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। बताइए, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9 माइनस 5 x माइनस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 आएगा बराबर 0। ठीक है, यदि x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर 9। ठीक है, तथा x माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि इसको बराबर के उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, या x बराबर 5। तो देखिए यहां पे x का डबल मान आ गया, मतलब 9 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, तो ठीक है, जो आंसर पूछा है लिख देंगे। अतः संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक बराबर 9.5। ठीक, अब संख्या क्या होगा, तो देखिए संख्या हो क्या सकता है, तो संख्या बराबर कितना है, देखिए तो यहां पे संख्या है 11x माइनस 30। ठीक है, बराबर 11 इंटू, पहले 9 रख लीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा, 99 माइनस 30, माइनस कर दीजिए 99 में 30, 69, एक ये संख्या हो सकता है, तथा दूसरा संभावित संख्या क्या हो जाएंगे, संख्या बराबर 11x माइनस 30, इस बार आप क्या ले सकते हैं, 5 भी तो ले सकते हैं, तो 11 इंटू 5 माइनस 30 बराबर 55 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएंगे, बोलिए 5 2 25। तो आपका ये देखिए जो दो संख्याएं प्राप्त हुई है, ये दोनों में वो लागू होता है ना, कि आप 69 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए दहाई का अंक 3 कम है इकाई से, इसमें अगर ले सकते हैं तो 5 से 3 कम है दहाई का अंक, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आपका इसमें आंसर हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, आप नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको समझिए, एक हौज में पानी भरने वाला दो नल लगे हैं। ठीक है, दूसरा नल पहले की अपेक्षा हौज को पूर्ण रूप से भरने में 5 मिनट कम समय लगाता है, इसका मतलब क्या है कि पहला नल जो है अधिक समय लगाता है, दूसरा नल 5 मिनट कम समय लगाता है, तो प्रत्येक नल हौज को कितना समय में भरेगा, यदि दोनों नलों को एक साथ खोलने पर
ग्यारह पूर्णांक एक बटे नौ मिनट में ये टंकी क्या होता है, पूरी तरह से भर जाता है। तो हमको यहाँ पे प्रत्येक नल का निकालना होगा कि कितना कितना समय में अकेले अकेले वो भर सकता है। तो हमको वही निकालने होंगे कि मान लिया जाए कि पहला नल माना कि हौज का पूर्ण भाग, हौज का एक भाग, एक भाग का मतलब ही यहां होता है पूर्ण भाग, एक भाग को भरने में पहला नल है ना, पहला नल x मिनट लगाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए कि दूसरा नल कितना टाइम लगाएंगे। तो अभी हम तुरंत पढ़ा रहे थे आपको क्वेश्चन में कि उसमें 5 मिनट कम समय लगता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा नल हौज का एक भाग भरने में, मतलब पूरा भाग, ठीक है, एक भाग भरने में कितना टाइम लगाएगा, तो x-5 मिनट लगाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, चूंकि पहला नल जो है x मिनट में कितना भरता है, लिखेंगे चूंकि पहला नल x मिनट में एक भाग भरता है, उल्टा कर दीजिए इसको, इसलिए एक मिनट में पहला नल कितना भरेगा, 1/x भाग भराएगा। ठीक है, दूसरा नल x-5 मिनट में कितना भर रहा है, एक भाग भरता है। ठीक है, इसलिए बताइए ये एक मिनट में कितना भरेगा, वो भी निकाल लेंगे, एक मिनट में कितना भरेगा, 1/x-5 भाग भरता है। ठीक है, अब अगर दोनों नल को एक साथ कहता है खोल दिया जाए तो 11 पूर्णांक 1/9 मिनट में कहता है पूरा टंकी भर जाता है। तो जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाते हैं अब जब दोनों को एक साथ खोल देंगे तो एक मिनट में कितना भरेगा, एक ही साथ अगर खोलते हैं तो एक मिनट में हौज का भरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1/x+1/x-5। ठीक है, एक मिनट में। अब यहां देखिए, कहता है 11 पूर्णांक 1/9 मिनट में यह कहता है पूरा भर देता है, तो एक मिनट में कितना भाग भरता है वो निकाल लें। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 1/9 मिनट में दोनों नल एक भाग भरता है। ठीक है, दोनों नल कितना में भर देता है, तो 11 × 9 = 99 यानी 100/9 मिनट में एक भाग भरता है। ठीक है, इसलिए हमको तो यहां एक मिनट में तुलना करना है, तो इसलिए एक मिनट में देखते हैं कितना भाग भरता है, इसलिए एक मिनट में भरा भाग, तो एक मिनट में कम भरेगा तो डिवाइड होगा, तो इसको उलट देने की बात, इतना भाग भरेगा। ठीक है, अब बताइए आपका इक्वेशन क्या होने जा रहा है, चूंकि एक मिनट में आपका इतना भाग होज भरा, यहां भी बता रहा है आपका एक मिनट में इतना भाग भरा, तो ये भाग को भाग से आप तुलना करेंगे। ठीक है, तो चूंकि 1/x+1/x-5 = 9/100। ठीक है, यहां तक, या x × x-5 x-5 + x = 9/100।
ठीक है यहां तक। एक्स एक्स हो जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 9/100। यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 100 इंटू 2 यानी 200x माइनस 500। ठीक है यहां तक। 9x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस इसको जोड़ दीजिए 245x प्लस 500 इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तो किस तरह से हम तोड़ सकते हैं वो देख लीजिए। आपको इधर फैक्टराइजेशन करके आप तोड़ लीजिएगा, लेकिन यहां पे हम 9 इंटू 5 4500 है, इसको 4500 को अगर हम 245 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 225 माइनस 20। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देते हैं, चलिए यहाँ प्लस कर देते हैं, और ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 245 आ जाएगा प्लस 500 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 225x माइनस 20x प्लस 500 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, अब देखिए 9 में अगर ये आता है तो 9 आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए 9 कॉमन आ सकता है क्या, चलिए 9 लेके देखते हैं, 9x कॉमन लेके देखते हैं, तो यहाँ पे x आएगा अब माइनस 9 से डिवाइड करिए, 9 दुनिया 18, 9 5 45 आ गया, और यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, कितना ले लेने से हो जाएगा, 20 लेने से हो जाएगा, 20 लेने से अगर हो जाता है तो कितना होगा, x माइनस 25, x माइनस 25, 20 लेने से आ जाएगा कॉमन, तो 20 कॉमन लेने से x माइनस 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बताइए, x माइनस 25 कॉमन अगर ले लेते हैं तो इधर आता है 9x माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही आता है वही देखना है। तो चूंकि x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इसलिए x इज इक्वल टू 25, ठीक है, तथा दूसरा क्या आ जाएगा बोलिए, 9x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इसलिए x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, या x इज इक्वल टू आता है 2 और 2 आएगा और 2/9। तो आपको देखिए ये दोनों में आपको चयन करना होगा कि आपका आंसर क्या हो सकते हैं। अगर मान लिया जाए आप इसको रखते हैं, दोनों तो चूंकि धनात्मक में आ गया है इसलिए यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको व्यवहारिक रूप से देखना पड़ेगा कि आंसर ये सही होगा या आंसर ये सही होगा। अगर इसको हम सही मानते हैं तो कह रहा है कि जो दूसरा नल है वो 5 मिनट कम में भरता है, तो बताइए अगर पहला नल 2.2/9 कहने का मतलब 2 मिनट में अगर भर देता है ना, या फिर 2.25 मिनट में भर देता है, तो फिर दूसरा नल 5 मिनट पहले कैसे भर सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंभव। इसको आप लिख देंगे असंभव, ठीक है, तो आपका संभव क्या हो गया, आपका संभव हो गया 25 मिनट। तो आप बताइए पहला नल 25 मिनट में भरेगा, ठीक है, इसलिए पहला नल संपूर्ण हौज को
25 मिनट तथा दूसरा नल संपूर्ण हौज को बताइए 5 मिनट कम समय में वो भरता है, यानी 25 - 5 इज इक्वल टू 20 मिनट में भरेगा। तो आप क्लियर कर दिए यहां पे कि कितना कितना में भरता है, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि किस तरह से आप सवाल को बनाएंगे। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से बना सके। अब चले आइए सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण की लंबाई सबसे बड़ी या सबसे छोटी भुजा से 16 सेंटीमीटर अधिक है तथा तीसरी भुजा की लंबाई कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो तीनों भुजाओं की लंबाई निकालिए। ठीक है, यह सवाल ध्यान से देख लीजिए। बुक में थोड़ा सा यह सवाल गड़बड़ दिया हुआ है ना, लेकिन बुक का ही सवाल है। देखिए यहां पे 6 नहीं होगा, यहां पे 16 होगा, वो आप देख लीजिए। इसको हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज का क्या होता है कि 3 भुजाएं होती है जिसमें कि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर मान लिया जाए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो कर्ण जो होते हैं वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमको मालूम है। तो यहां कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 16 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे छोटी भुजा आप बीसी को मान लीजिए, चलिए हम बीसी को मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो बोलिए कर्ण कितना होगा, तो बोल रहा है सबसे छोटी भुजा से कितना अधिक है, तो 16 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए लिख देते हैं। अच्छा, और क्या कह रहा है ये भी पढ़ लीजिए। तीसरी भुजा की लंबाई, तो अब तीसरी कौन हो गया, ये 2 हो गया, तो तीसरी अब ए बी ही बचा है। तो तीसरी भुजा की लंबाई का था कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो, तो कर्ण आपका है x प्लस 16, तो 2 सेंटीमीटर से घटा दीजिए तो x प्लस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 14, 2 सेंटीमीटर घटा देना है मात्र। ठीक है, माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं, चलिए अब चित्र में है तो इसलिए हम नाम भी दे देते हैं, x सेंटीमीटर। इसलिए कर्ण बराबर क्या होगा, एसी बराबर x प्लस 16 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भुजा जो है लंब, तो लंब जो है ए बी होगा और ए बी बराबर होगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। आपको पता है कि कह रहा है कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है तीसरी भुजा, इसलिए लंब कितना हो जाएगा, x प्लस 14। अच्छा, अब पाइथागोरस के बारे में आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, बताइए पाइथागोरस क्या कहे हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर वर्ग बना दी जाए तो उसका क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो चलिए एसी कर्ण है, इस पर वर्ग बना दीजिए, तो क्या होगा, लंब के ऊपर वर्ग बनेंगे और आधार के ऊपर भी वर्ग बनेंगे और इन दोनों के योगफल के बराबर होंगे। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, इसका मान बैठाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए इसका मान क्या है, x प्लस 16, किसका मान, AC का मान बैठा दिया, AB का मान बैठा दीजिए इसको, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, BC का मान बैठाइए, BC कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आसानी से कैलकुलेशन करते जाइए, x का मान निकालने से ही तीनों भुजा आप निकाल लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 16 × x, एक ही बार क्या करें इसको बताइए, तो एक ही बार 32x कर देना,
32x एक ही बार कर देते हैं, 16 गुना 2 और x, अब प्लस 16 और 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 256 आ जाएगा। चलिए इसका काम हो गया, चलिए आगे बढ़िए। एक्स स्क्वायर प्लस 14 को 2 से गुना कर दीजिए कितना होगा 28x, अब प्लस 14 इंटू 14 कितना होगा 196, ठीक है, अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बराबर के इधर उधर आप काट भी सकते हैं, चलिए एक ठो काट दिए। अब बचा क्या है, जो भी बचा है उसको एक साइड ले जाइए, चलिए एक्स स्क्वायर यहां पे आ गया प्लस 28x जहां है वहीं रह गया, ठीक है, इसको उठा के इधर ले लीजिए, माइनस 32x यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, सब प्लस में है इसलिए। अब इसको इधर लाने का मतलब है कि उसको माइनस में लेना पड़ेगा, तो चलिए इसको माइनस में ले लेते हैं। अब बताइए इधर तो कुछ नहीं रहा, सारा तो हम लोग क्या किए, खींच खींच के दूसरे साइड लेके चले आए, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो यहां जीरो रहेगा। एक्स स्क्वायर इसको घटा दीजिए, बोलिए कितना आएगा, 4 आएगा ना, 4x, अब इसमें भी घटा दीजिए कितना आएगा, 0 आएगा, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटा ले रहे हैं, 5 में 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 ही केवल आएगा, ठीक है। या अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 60 को आपको तोड़ देना पड़ेगा, किस में तोड़ना पड़ेगा, 4 में तोड़ना पड़ेगा, तो 60 को 4 में कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़िए, 15 गुना 4 नहीं होगा, 10 गुना 6 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, तोड़िए इसको, 10 माइनस 6 टूट गया, ठीक है, इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 प्लस 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यदि x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 10 है ना, तथा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस 6। क्या हम माइनस में ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, और संभव हो गया, तो संभव क्या हुआ, अतः सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, यहां पे ये क्या काम कर रहा है, चित्र के हिसाब से आधार काम कर रहा है, सबसे छोटी भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कर्ण, कर्ण बराबर 10 प्लस 16 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। और अन्य जो भुजा है, जिसको कि हम तीसरी भुजा कह सकते हैं, कि प्रश्न के हिसाब से तीसरी भुजा बराबर कितना है, दो कम है ना, तो 26 में दो घटा दीजिए ना, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो गया, ये भी आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर, क्लियर। तो समझ में आ गया आपको कि इस सवाल को हम किस तरह से बना सकते हैं, इसको ध्यान से आप देखिए अच्छी तरह से, और इसको चाहें तो आप, इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम इसका उपाय बता दे रहे हैं, चलिए ऊपर कर दे रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो फिर बारी बारी से इसको बार बार, एक बार दो बार करके देखिए, और धीरे धीरे रोक रोक करके देख लीजिए, आपका काम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, आप इस सवाल को देखिए और समझने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5, 200 किलोमीटर की दूरी को मोटरसाइकिल की अपेक्षा जीप से जाने में 2 घंटा कम समय लगता है, यदि जीप का वेग मोटरसाइकिल के अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि जीप का वेग मोटरसाइकिल की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो मोटर गाड़ी का वेग कितना हो, मोटरसाइकिल का वेग कितना होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें
इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे अधिक होगा, ठीक है, यहाँ पे अधिक होगा। ठीक है, चलते हैं, अब सवाल बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, और इसके साथ साथ एक जीप है, जीप निश्चित रूप से मोटरसाइकिल की अपेक्षा अधिक चलेगा, ठीक, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दिया है, देखिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है कौन, जीप चलता है, तो मोटर गाड़ी का वेग निकालने के लिए हमको बोला गया है, तो पहले मोटरसाइकिल का ही वेग हम मान लेंगे, ठीक है, मोटर गाड़ी का ही वेग मान लेंगे। तो माना कि मोटर गाड़ी का वेग मतलब होता है एक इकाई समय में कितना दूरी तय करता है, ठीक, वेग बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, इसको इस तरह से लिखेंगे, वेग लिखने का मतलब एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा उसमें डालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीप का वेग कितना हो जाएगा, जीप का वेग बराबर एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जीप ज्यादा चलता है, तभी तो जीप क्या करता है 2 घंटा कम समय में पहुंचा देता है, अर्थात जहां पे जाना होता है गंतव्य स्थान में, यहां से यहां तक मान लिया इसको जाना है 200 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो 200 किलोमीटर जाने में अगर यहां से हम एक बार मोटर गाड़ी को चलाते हैं तो यहां जाने में जितना टाइम लगाता है, जीप अगर यहां से यहां तक जाएगा तो उसको 2 घंटा कम टाइम लगेगा, ठीक है, तो टाइम हम निकालते हैं, तो पहले हम मोटर गाड़ी के लिए निकालते हैं, मोटर गाड़ी के लिए, ठीक है, दूरी तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, दूरी कितना है बताइए, दूरी है आपका 200 किलोमीटर, ठीक है, अच्छा मोटर गाड़ी का वेग हमने मान लिया एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इसको जाने में समय कितना लगा, तो दूरी बटे वेग यानी 200 बटे एक्स घंटा लगा, लिख दिया। अब जीप के लिए ले लीजिए, जीप के लिए, ठीक है, बोलिए दूरी कितना, 200 किलोमीटर, वेग इसका कितना होगा, चूंकि जीप का वेग ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 किलोमीटर ज्यादा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, इसलिए इसको लिख देंगे x प्लस 5, इसको समय कितना लगेगा बता दीजिए, इसको लगेगा 200 यानी दूरी बटे समय यानी x प्लस 5 घंटा लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो जीप जाता है इसको कम समय लगता है, लेकिन मोटर गाड़ी को ज्यादा समय लगता है, लेकिन कितना ज्यादा समय लगता है, 2 घंटा ही ज्यादा समय लगता है, मान लिया ये 10 लगा तो ये, एक मिनट, ये 10 लगा तो ये 8 घंटा लगेगा, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बताइए, 200 बटे एक्स माइनस, दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, वो यहां पे हम लिख देंगे, 2 घंटा का डिफरेंस है इसलिए यहां पे 2 लिखेंगे। अब बताइए यहां पे क्या कर सकते हैं, 200 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5 इजकल टू 2, इसको काट भी तो सकते हैं, चलिए काट दिए हैं, अब क्या मिलेगा हमको, x इंटू x प्लस 5, यहां पे मिलेगा आपको x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू, ये 100 को इधर ले आते हैं ना, ठीक है, इधर आ गया, चलिए जब इधर आ गया तो क्या मिला, x x भी कट जा रहा है, काट दीजिए, 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 बटे 100, या x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500, या x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है, 500 को आपको 5 में तोड़ना है, तो बताइए कैसे तोड़ेंगे आप, 25 में 20 को अगर माइनस कर देंगे तो क्या 5 आ जाएंगे, आ जाएंगे ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 भी तो आ ही जाएंगे, चलिए x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0,
ठीक है यहां तक। चलिए अब क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 25 माइनस 20 भी कॉमन ले लीजिए, x माइनस 25 यहां माइनस की प्लस प्लस, ठीक है इक्वल टू जीरो। बताइए क्या होगा, x प्लस 25 इधर क्या होगा, x माइनस 20 इक्वल टू जीरो। यदि x प्लस 25 इक्वल टू जीरो, इसलिए x बराबर माइनस 25 जो कि क्या हो गया, असंभव। तो सही क्या होगा, तथा x माइनस 20 बराबर जीरो, इसलिए x बराबर 20 और यही क्या है, संभव है। लिखेंगे अतः, बोलिए पहले क्या माने थे, मोटर गाड़ी का वेग बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और किसका, जीप का, चलिए जीप का वेग बराबर 25 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर जाता है तो 25 लिख ही सकते हैं, है ना, 25 किलोमीटर बराबर। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सवाल को बना लिए हैं, धीरे धीरे करके इसको समझना है और बनाना है, किसी तरह का असुविधा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो अंकों वाली एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से दो गुना है, देखिए दहाई का अंक दो गुना है इकाई के अंक से, अगर इकाई x मानेंगे तो दहाई कितना हो जाएगा 2x, तथा मूल संख्या को इकाई के अंक से गुना करने पर, देखिए यहां पे दोनों अंकों से गुना करके घटाने उठाने का बात नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि मूल संख्या को इकाई के अंक से गुना कर दिया गया है, तो गुणनफल कितना हो जाता है, 189 होता है, तो इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह का है, तो अब हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसके हिसाब से, तो माना कि दो अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक बराबर कितना मान लें, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए दहाई का अंक क्या कह रहा है, दुगना है, इकाई के अंक से दुगना है, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक बराबर 2x, इसलिए मूल संख्या बना लीजिए, मूल संख्या बराबर कितना होगा, तो दहाई में 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 गुना 2x प्लस x गुना 1 बन जाएगा ना, मूल संख्या बनाने जानते हैं ना, दहाई में 10 से गुना कर दीजिए, इकाई में 1 से गुना कर दीजिए, मूल संख्या बन जाएगा, तो 20x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 21x, ठीक है, यही आपका मूल संख्या है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि मूल संख्या में इकाई के अंक को गुना कर दीजिए, देखिए मूल संख्या को इकाई के अंक से गुना करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल संख्या 21x है, इसको इकाई के अंक से गुना करेंगे तो x से ही तो गुना करना पड़ेगा, तो बराबर कितना होगा, 189, ये तो बहुत हल्का सवाल मिल गया है, बताइए x स्क्वायर बराबर आएगा 189 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है इसको भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में काट दें, चलिए 9 बार में काट देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, या एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 3 9 नहीं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये समझ में आ गया ना आपको लोगों को, ये 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, चूंकि एक्स प्लस 3 बराबर 0, इसलिए बोलिए x बराबर 3 माइनस 3, तथा x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3, तो ये तो असंभव, क्योंकि अंकों का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए असंभव, और ये क्या हो गया, संभव हो गया, है ना, लिख देंगे अतः संख्या के इकाई का अंक बराबर 3। अगर बाय द वे आपको संख्या पूछा जाएगा तो संख्या बराबर तथा संख्या बराबर
इक्कीस एक्स, आप देख रहे हैं संख्या हम लोग निकाले थे, 21 गुना 3 कर लीजिए कितना आएगा 63, ठीक है, और यही 63 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में आपको क्या पूछा जा रहा है, आप देखिए इसको, सवाल देखिए, कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क के एक भुजा की लंबाई से 5 मीटर अधिक तथा 3 मीटर कम भुजा वाले एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल वर्गाकार पार्क के दुगना वाले क्षेत्रफल से 78 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तो वर्गाकार पार्क का एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी वर्गाकार पार्क की एक भुजा की लंबाई हमें निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो किस तरह से हम निकालेंगे वो देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या कहा गया है। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लिया जाए ये वर्गाकार जमीन है, ठीक है, चारों भुजाएं इसकी बराबर है, मान लिया एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो जमीन है वो कह रहा है कि इसका लंबाई कितना अधिक है, तो पहले जितना वर्गाकार जमीन था उससे 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई बढ़ा दिया है, यानी x प्लस 5 मीटर हो गया, ठीक है। और दूसरा कहा कि चौड़ाई को क्या किया है, चौड़ाई को 3 मीटर कम कर दिया गया, तो x जितना है उससे वो 3 मीटर घटा दिया गया, तो 3 मीटर घटा दिया तो यानी x माइनस 3 मीटर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, अब बोल रहा है कि ये जो एरिया है इसके दुगना, वर्ग के दुगना का एरिया से 78 वर्ग मीटर ये कम है, ठीक है। तो अब हम यहां पे बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, माना कि वर्गाकार पार्क का पहले लेंगे, वर्गाकार पार्क का एक भुजा बराबर x मीटर, मीटर में दिया है, मीटर में ही मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसलिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब आयताकार में चलते हैं, आयताकार पार्क का लंबाई, लंबाई कहता है वर्ग के अपेक्षा कितना ज्यादा होता है, तो 5 मीटर ज्यादा होता है, x प्लस 5 मीटर, तथा चौड़ाई कितना होगा बताइए, x माइनस 3 मीटर बोला, ठीक है। इसलिए इसका एरिया कितना होगा, किसका, आयताकार का एरिया कितना होगा, आयताकार पार्क का लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x प्लस 5, x माइनस 3 वर्ग मीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चलते हैं आगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि इसका दुगना क्षेत्रफल यानी 2x स्क्वायर में अगर इसको हम माइनस कर देते हैं, मतलब किसको, वर्गा आयताकार का क्षेत्रफल को माइनस करते हैं, तो वो 78 वर्ग मीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको एक्स स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है, बराबर 78। 2x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर और इधर इसको घटा लीजिए, 5 में 3 चला जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस एक ही बार लिख देते हैं 2x, और चूंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 15 इजकल टू 58, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये घटा दिए हैं 2, तो 2 आ जाएगा माइनस में। चलिए आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 माइनस 78 इजकल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस
टू एक्स माइनस, इसको घटा लीजिए, आठ में पांच गया तो तीन और सात में एक गया तो छः बराबर जीरो। अब इसको गुणनखंड कर लीजिए, नाइन माइनस सेवन, ठीक है ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस माइनस प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी थ्री इजकल टू जीरो। अब एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस नाइन प्लस सेवन कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस नाइन इजिकल टू जीरो, या एक्स माइनस नाइन इंटू एक्स प्लस सेवन इजिकल टू जीरो। यदि एक्स माइनस नाइन बराबर जीरो, इसलिए बोलिए एक्स बराबर नाइन, तथा दूसरा बताइए एक्स प्लस सेवन इजिकल टू जीरो, इसलिए बोलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस सेवन, तो ये क्या हो जाएगा असंभव। तो संभव क्या हुआ भाई, संभव हो गया नाइन, है ना। अतः वर्गाकार पार्क है, पार्क का एक भुजा बराबर कितना, नाइन मीटर, और यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर अच्छा लगा हो तो, और जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।